आजकल तो सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे न्यूज आने लगी है और व्हाट्सएप मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक भी है। तो बहुत तेजी से न्यूज आप तक पहुंचती है, लेकिन आप छोटे छोटे गांव शहरों में जहां बहुत ज्यादा और आपके पास क्रॉस चेक करने का भी जरिया नहीं है, वहां व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड्स पहुंच जाते हैं। जो वो व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड्स पहुंचते हैं, कई बार उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता या सच्चाई को जांचने का आपके पास कोई तरीका होता नहीं है। और सबसे दिलचस्प है कि लोग उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी कर लेते हैं कि ये जो हमने हमारे पास आया वो व्हाट्सएप पर आ गया था, यूट्यूब पर आ गया था, ये सच है। तो आप में से कुछ लोग वो भी होंगे जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक यहाँ पे वेरियस फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, राइट, है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे। तो जो जर्नलिज्म में हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बाकी फैकल्टी में हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप न्यूज़ गैदर करते हैं तो अब के दौर में मुझे लगता है कि उस विश्वसनीयता के लिए और या आपके अपने बायसेस के लिए कि आप एक खबर कहीं से देख लेते हैं किसी टीवी पे या किसी भी अखबार में और उसको आप खबर एक होती है कि बस जो खबर हुई, जो घटना हुई, और एक होता है कि ओपिनियन जब आप फॉर्म करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, आप सब ने हाल में सुना होगा चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई, राइट, सुना था, पढ़ते हैं आप लोग अखबार सब लोग। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात हुई थी उसको लेके भी, हर एक खबर को लेके एक फॉर, एक अगेंस्ट, एक प्रो गवर्नमेंट, एक एंटी गवर्नमेंट, दो खेमे हो जाते हैं। तो उस बीच में आपको अपना जब ओपिनियन फॉर्म करना है तो आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं? किसी को लगा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो ठीक है, उसमें गलत क्या है, कोर्ट ने उसके ऊपर सख्ती जताई। किसी को ये लगा कि ये तो बहुत गलत है, जो एक रूलिंग पार्टी है उसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए और कुछ लोगों ने उसे ख़रीदे और वो तमाम लोग ख़रीदेंगे जिन्हें लगता है कि गवर्नमेंट से मुझे अगर फ़ायदा हासिल करना है तो क्यों ना हम उनको चंदा दें, और नाम भी पता चला बाद में कि डिस्क्लोज हो रहे हैं। तो इस तरह के जो डिटेल्स हैं अगर आप देखेंगे उसके ऊपर एडिटोरियल्स, एक तो हो गई खबर, लेकिन आप खबर को किस तरह से मोड़ते हैं, क्या उसको एंगल देते हैं, किस तरह से पेश करते हैं, वहाँ पर आ जाता है आपका बायस। उसमें ज़रूरी है कि आप दो तीन सोर्सेज से ज़रूर इंफॉर्मेशन अपनी लें ताकि आपको उसकी, उस खबर के दो तीन पक्ष जो उसके ऊपर कहे जा रहे हैं वो पता हो, और फिर प्लीज़ उसके बाद आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी थोड़ा उसको एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। और मैं देखती हूँ कि आजकल इंक्रीजिंगली ये है कि आप किसी एक खबर पर भी या तो इधर खड़े या इधर खड़े हैं, हमेशा एक आर पार की लड़ाई है। पर मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप ऑल ऑफ यू आर यंग माइंड्स एंड ऑल ऑफ यू हैव आर ब्रिलियंट माइंड्स एंड यू कैन फॉर्म योर ओपिनियन। आई मीन, प्लीज डू नॉट बी सो बायस्ड ऑन एवरी न्यूज़। यू नो, यू, आपके बायसेस हो सकते हैं, आपके सही गलत हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्म्ड बायस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फैमिलीज में, आपके आसपास, आपके दोस्तों में हो सकता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को कुछ लोग मानते हों, आप उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे आप बिल्कुल वो हो जाते हैं, टेकन इन हो जाते हैं कि यही जो है वही सही है। पर आई थिंक एज थिंकिंग इंटेलिजेंट यंग पीपल, यू शुड फॉर्म योर ओन ओपिनियन, बट यू कैन ओनली फॉर्म योर ओन ओपिनियन व्हेन यू चूज टू रीड।